आपका जो फर्स्ट वाला बनेगा एंगल जो आपको गिवन है दैट इज 90 डिग्री, तो फर्स्ट जो अलोंग एक्स एक्सिस है दैट विल बी कॉस 90, वाई एक्सिस के अलोंग सेकेंड एंगल आपको 135 गिवन है, सो दिस विल बी कॉस 135, एंड द थर्ड एंगल वी आर गिवन एज 45 डिग्री, तो दैट विल बी कॉस 45 डिग्री। अब इनका हमने क्या करना है, वैल्यूज लिख देंगे, तो दैट विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस 90 यू नो इज 0, कॉस 135 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव, सो दिस इज -1/√2, एंड कॉस 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में दैट इज पॉजिटिव, तो इट इज 1/√2। तो जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आए दैट आर 0, -1/√2 एंड 1/√2। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। आपको एंगल्स गिवन थे जो लाइन बना रही थी विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब आपको एंगल्स गिवन होते हैं अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो उनके कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए आप उनकी कॉस वाली वैल्यूज निकाल लेंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये जो एंगल्स बना रही है दीज आर इक्वल एंगल्स। सो हमने क्या करना है, जब इक्वल एंगल्स बना रही होती है तो सिंपली हम क्या लेके चलते हैं कि जो एंगल है वो तीनों के साथ हम मान लेते हैं कि अल्फा, इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी था, सो लेट अल्फा बी द एंगल विच द लाइन मेक्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, सो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं दैट विल बी कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा। डायरेक्शन कोसाइंस जो भी एंगल उसका बन रहा होता है हम विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस उसका हम कॉस ऑफ द एंगल ले लेते हैं। अब अगेन हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 1, तो सेम चीज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि ये आपको लाइन मेंशनड है तो इट कैन बी किसी भी दोनों में से डायरेक्शन में ये हो सकते हैं आपके, तो आपने क्या करना है यहाँ पे जो आप साइन लेके चलोगे दैट विल बी प्लस एज वेल एज माइनस, दोनों वैल्यूज आपने लेके चलनी है। सो जो आपके डायरेक्शन को साइंस बनेंगे दैट विल बी +-1/√3 +-1/√3 एंड +-1/√3। कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास +-1/√3 आ गई, डायरेक्शन को साइंस हमारे पास कॉस अल्फा कॉस अल्फा थे, सो योर आंसर विल बी द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन्स आर +-1/√3 1/√3, मैंने कॉमन ले लिया, आप आगे भी तीनों के आगे भी लिख के रख सकते हो। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं आपको कि इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज -18 12 एंड -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकालने हैं, तो सिंपली डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को उसके जो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमें जो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है दैट आर गिवन टू बी -18 12 एंड -4, सो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे या सीधा भी आप कर सकते हो, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यू विल डिवाइड दीज बाय द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो दैट विल बी -18² प्लस 12² प्लस -4 का स्क्वायर, सेम चीज यहाँ सेम चीज यहाँ, दिस इज -18 अपॉन √3 24 प्लस 144 प्लस 16, यहाँ जो भी डायरेक्ट वैल्यू आएगी दैट आई विल राइट डाउन, सो दिस इज -18 अपॉन 484, सो 484
जो है यू नो दैट इज स्क्वायर ऑफ 22, सो दिस इज माइनस 18 बाय 22, 12 बाय 22 एंड माइनस 4 बाय 22, सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस. आप इनको चाहो तो कैंसिलेशंस करके भी लिख सकते हो, माइनस 9 बाय 11, 6 बाय 11 एंड माइनस 2 बाय 11. अदरवाइज नॉर्मली हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन को साइंस हैं ये आपके, तो इनके प्रोपोर्शनल आपके कई डायरेक्शन रेशियोज बन सकते हैं. तो अगर आप इसको भी देखोगे तो दैट विल अगेन बी दैट कैन बी अगेन ट्रीटेड एज अ डायरेक्शन रेशियो, बट इनको हम डायरेक्शन को साइंस इसलिए लेंगे क्योंकि इनके जो स्क्वेयर्स का सम बन रहा होगा दैट यू विल चेक, अगर वो वन बन रहा है यू विल टेक देम एज द डायरेक्शन को साइंस, अदरवाइज यू विल टेक देम एज द डायरेक्शन रेशियोज. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. पॉइंट्स हमने कोलिनियर शो करने हैं, तो सिंपली हम क्या कर देंगे कि जो वन है आपका पेयर, जो वन आपको गिवन है पॉइंट, उसके पोजीशन वेक्टर्स निकाल लोगे उनको ज्वाइन करके. ए बी और सी हमें गिवन है, तो हम ए बी और बी सी निकाल लेंगे और उनके शो कर देंगे हम कि ए बी जो है दैट इज लैम्डा टाइम्स बी सी. एक जो है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अदर, प्रोपोर्शनल है वो उसके समहाउ, चाहे वो के है चाहे वन अपॉन के है. तो अगर वो उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है देन द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अब क्योंकि ए बी और बी सी में एक कॉमन पॉइंट है आपका बी, तो पैरेलल नहीं होंगे, दे विल बी हैविंग द सेम सपोर्ट ऑफ लाइन, मींस दे विल बी कोलिनियर. तो दिस यू विल डू योरसेल्फ, आप ए बी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना या ए सी निकाल लेना, तीनों में से कोई भी दो पेयर आप लेके चल सकते हैं. आप उनको शो कर दोगे कि दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मींस वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा टाइम्स अदर. सो ए बी एंड बी सी जब एक को आप दूसरे की फॉर्म में लिख रहे हो तो दीज विल बी पैरेलल टू ईच अदर, बट क्योंकि इनमें बी पॉइंट आपका कॉमन है तो इट मींस द पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, दिस यू विल डू योरसेल्फ. आफ्टर दिस वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 3 5 minus 4 minus 1 1 2 एंड minus 5 minus 5 minus 2 एंड आल्सो फाइंड द एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, ये किस तरह की ट्रायंगल है ये हमें बताना है. हमें सबसे पहले जो है इसकी साइड्स की डायरेक्शन तो साइंस निकालने हैं. देन वी आर टू फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. एंगल्स आ गए तो वी आर टू टेल व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज. सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स निकालने के लिए आपके पास ए है, बी है, सी है, तो यू विल फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए. इसको अभी आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि अगेन इस तरह के काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. यू विल टेल मी द आंसर. ए हमें गिवन है 3 5 minus 4, बी गिवन है -1 1 and 2, स्टार्ट डूइंग दिस, एंड सी वी आर हैविंग -5 -5 -2. सो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, यू आर टू फाइंड द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो सबसे पहले आप डायरेक्शन को साइंस, आपको पता है जब आपको वर्टिसेस गिवन है पॉइंट्स के तो पहले आप ए बी के जो है निकाल लोगे डायरेक्शन रेशियोस. सिंपली बी माइनस ए करोगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ये वाला कंसेप्ट लगा के आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए. डिवाइड कर दोगे उसको इसके मैग्नीट्यूड से तो यू विल गेट द डायरेक्शन कोसाइंस. ए बी के निकालो इसी तरीके से, बी सी के एंड सी ए के. बी क्विक. और जिसका जैसे जैसे होता जाएगा मुझे बताते जाओ कि ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस ये आए हैं, बी सी के ये आए हैं, सी ए सी के, सी ए के ये आए हैं. हरी अप. The bell has gone.